गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम लोग जो है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित धारणा का सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, राष्ट्रीय आय क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम आज के लेक्चर में पूरा करेंगे। क्योंकि टॉपिक सेम ही है, हम इसी टॉपिक को लेकर चले थे, तो पार्ट वन उसको हम बोल सकते हैं और इस लेक्चर को हम पार्ट टू करके बोल सकते हैं। तो सेम टॉपिक है, इसको हम पार्ट टू के रूप में देखेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय आय क्या है इस पर चर्चा हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे प्रयोग होगा कुछ शब्दों का, एक जैसे होता है घरेलू उत्पाद, एक होगा राष्ट्रीय उत्पाद, अब इसी में ही आप देखेंगे सब जुड़ जाएंगे, सकल या इसी में जुड़ेगा शुद्ध, इसमें भी जुड़ जाएगा सकल और शुद्ध। सकल को ग्रॉस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। इसी तरीके से हम घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद दो शब्द हुए, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित दो कॉन्सेप्ट आपके हो गए, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक घरेलू को डोमेस्टिक बोलते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद, नेशनल राष्ट्रीय प्रोडक्ट उत्पाद। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, और इन्हीं से जो घरेलू उत्पाद मारा है इसमें जो है जब हम सकल और शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तो दो हो जाते हैं, एक सकल घरेलू उत्पाद एक शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहां पर भी ऐसे एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक क्या हो जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीडीपी, जीडीपी। आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे जीडीपी शब्द का प्रयोग, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में, टीवी न्यूज में आप जीडीपी शब्द का प्रयोग सुने होंगे, जब भी बजट आता है या देश के विकास, आर्थिक विकास की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, तो वहां पर जीडीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? सकल का मतलब क्या होता है, कुल, सकल को हम कुल भी बोल सकते हैं, कुल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आप समझिए घरेलू उत्पाद क्या है। अब घरेलू उत्पाद की बात हम करें तो घरेलू का मतलब क्या हुआ, हम चूंकि देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय स्तर पर जब हम उत्पाद की बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत की बात कर रहे हैं, भारत या किसी भी देश के जो है हम घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर, भारत के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर की हम बात करें यानी देश की सीमाओं के भीतर, प्रोडक्ट मतलब जो भी उत्पादन कार्य हो रहे हैं,
एक वर्ष में ये महत्वपूर्ण है, एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर या देश की सीमाओं के भीतर या देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर। देखिए इसमें सीमाओं में हम आर्थिक सीमा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसकी भौगोलिक सीमा तो है ही, ये आपकी भौगोलिक सीमाएं हैं इधर, है ना, ये भौगोलिक सीमाएं इधर हैं इस तरीके से, तो ये जो है आपका ये भारत का हमने जो है मैप बना दिया है, सही नहीं है बहुत लेकिन यहाँ पे क्लियर समझने के लिए। यहाँ पर हम बात सिर्फ इतने की इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे इसकी, इधर की जो हमारी सीमाएं हैं वो क्या हैं, ये स्थलीय हैं। यहाँ पर क्या है, स्थल है, जमीन है, देश है, लेकिन इधर क्या है, इधर की जो सीमाएं हमारी हैं इधर जलीय सीमा है, यानी इधर क्या है, तीन तरफ से समुद्र है, इधर इधर और इधर। तो हमारी जो आर्थिक सीमा होती है ये जल के अंदर यानी समुद्र के अंदर भी जो है क्या होता है, यहाँ कुछ दूरी तक लगभग 370 किलोमीटर के रेंज में हमारा एक लिमिट होता है, सीमा होता है। यहाँ तक क्या होता है, ये हमारे देश की सीमा होती है, और यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक मछुआरे जाते हैं अपना मछली पकड़ने के लिए, जो भी जल के अंदर जो भी प्रोडक्शन कार्य होता है ये इस सीमा के अंतर्गत होता है। तो इस सीमा तक यानी देश की सीमा के अंदर, देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कार्य किया जाता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर या देश की आर्थिक सीमा के भीतर समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को ही क्या कहते हैं, हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात समझ में, यानी इसमें जो है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था ना, यानी हमारा जो प्रोडक्शन वर्क होगा इस देश की सीमा के बाहर नहीं होगा, इस देश के भीतर ही जो प्रोडक्शन हो रहा हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके हम योग की बात कर रहे हैं, उसके मौद्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे GNP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम GNP। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष में जो आपकी इसकी परिभाषा है, इसके साथ साथ इसमें हम कुछ और इंक्लूड करेंगे, यानी एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं
कि मौद्रिक मूल्यों का योग जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी सम्मिलित किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अर्थात GNP इक्वल टू GDP प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी सम्मिलित करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम GNP कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर देखिए दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। यहां पे दोनों में अंतर समझना क्या जरूरी है? बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। देखिए यहां पे हम क्या कहते हैं, यहां पे कहते हैं कि देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, यहां भी कह रहे हैं देश की सीमा के अंतर्गत या देश के अंदर जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो बात की जा रही है कि देश के अंदर ही जो उत्पादन हो रहा है, अब इसमें जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है वो विदेश, चूंकि इसमें ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण का, तो हर व्यक्ति का व्यवसाय, हर देश का व्यवसाय केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि क्या है अन्य देशों तक फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और विदेश के कुछ लोग जो है हमारे यहां काम कर रहे हैं, तो हम बात करें कि जो विदेश के लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं, चूंकि हमारे यहां रहकर काम कर रहे हैं, हमारे यहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, नियोग किया है, विनियोग किया है, या उसने मान लीजिए उसने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है, कोई जो है FDI नहीं है उनका, जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूंजी उन्होंने नहीं लगाया है, सर्विस ही दे रहे हैं। मान लीजिए विदेश से कोई व्यक्ति आए यहाँ पर भारत में सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो सर्विस करना ये क्या है, ये भी सेवा है, ये भी साधन के रूप में काम कर रहा है, उत्पादन के साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे उत्पादन क्या हो रहा है, सेवा के उत्पादन में या वस्तु के उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो विदेश में रहने वाला जो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी हम क्या करेंगे GDP में सम्मिलित करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो विदेश में जो काम कर रहा है उसका जो इनकम होगा हमारे देश में आएगा उसको हम GDP में सम्मिलित नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर राष्ट्रीय आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि हमारे देश के लोग, भारत के लोग, उनके द्वारा जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो चाहे कहीं भी हो, चाहे अपने देश में रह के काम कर रहे हो, चाहे विदेशों में रह के काम कर रहे हो, उनके आय को सम्मिलित किया जाएगा। अपने देश में जो रहकर काम कर रहे हैं भारत के लोग उनकी आय को तो सम्मिलित किया ही जाएगा GNP में, बाकी जो लोग हमारे देश से जो है भारत वाले जो विदेशों में काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा यहाँ भेज रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, जो इनकम वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है उसको भी GNP में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो विदेश वाले व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति जो भारत में काम कर रहे हैं उनका जो सर्विस का या
उनका जो प्रोडक्शन का कार्य है, उत्पादन कार्य है, उनके उत्पाद को जो है जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान समझेंगे समझ में आ जाए। यहां पर स्थान एक ही है, यहां पे बाउंडेशन है स्थान की, कि आपको इस स्थान के अंदर ही क्या करना है, प्रोडक्शन कार्य करना है। आप कोई भी हो, भारत के हो चाहे विदेश के हो, कोई भी हो, आप स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, लेकिन यदि आप इस सीमा के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके इनकम को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। यानी यहां पे स्थान का बाउंडेशन, आप इस सीमा के बाहर नहीं जा सकते, बाकी आप कोई भी हो, आप देश के हो चाहे विदेश के। और यहां पे स्थान का बाउंडेशन नहीं है, यहां पर स्वदेशी होना जरूरी है, देश का होना जरूरी है, व्यक्ति विशेष का यहां पे महत्व है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। देश का नागरिक है, स्वदेशी है, तो उसके लिए स्थान का बाउंडेशन नहीं है। वो किसी भी देश में काम कर रहा हो, जापान में काम कर रहा हो, इंग्लैंड में काम कर रहा हो, अमेरिका में काम कर रहा हो, कहीं भी वो काम कर रहा हो, वहां से जो भी शुद्ध इनकम प्राप्त होता है वो देश को भेजता है, उसको जो है हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। क्लियर हो गया? यहां पे हम देश का नागरिक होना चाहिए, वो सीमा रेखा का कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं भी जाके काम करे सम्मिलित करेंगे। यहां पे सीमा रेखा का बाउंडेशन है, बाकी वो कोई भी हो चाहे देश का हो चाहे विदेश का, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया? यहां पे हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात की थी अभी पीछे, यहां पे किया है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का यहां पे करने का जो मतलब है, यहां पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक्सपोर्ट में क्या होता है कि मुद्रा जो है दूसरे देश से हमारे देश में आता है। इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट में मुद्रा हमारे देश से दूसरे देश में जाता है। तो दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है? वही शुद्ध जो है विदेशी आय होती है। यहां पर दूसरे देश से जो मुद्रा आ रही है, जो मुद्रा दूसरे देश से क्या हो रही है, आ रही है, उसको सम्मिलित नहीं कर रहा। जो दूसरे देश से मुद्रा आ रही है उसको किसमें सम्मिलित करेंगे? इसमें सम्मिलित करेंगे। मतलब एक्सपोर्ट के रूप में किसको सम्मिलित करेंगे? जीएनपी में सम्मिलित करेंगे। जीएनपी में इसलिए देखिए एक्स को क्या किया रहा है, प्लस किया जा रहा है, एक्सपोर्ट को प्लस किया जा रहा है। जो विदेश से मुद्राएं आ रही हैं उसको जीएनपी में सम्मिलित करेंगे, और जो यहां से अपने यहां से जो मुद्रा जा रही है एक्सपोर्ट के रूप में, सॉरी इंपोर्ट के रूप में, तो क्या होगा, वो किसमें सम्मिलित होगा? वो इसमें होगा। इसमें क्या होता है, उसको घटाया जाता है। मतलब इसमें सॉरी इसमें चूंकि वो इंक्लूड रहता है, भाई जब आप विदेश के नागरिक से भी काम करवाएंगे तो अपना प्रॉफिट लेके दूसरे अपने देश नहीं जाएगा, तो उस समय तो आपने जोड़ लिया। मान लीजिए 100 रुपये एक नागरिक कौन ले लीजिए, 100 रुपये 10 नागरिक हो गए तो 1000 रुपये, 1000 रुपये का प्रोडक्शन जो है 10 नागरिकों विदेशी नागरिकों ने जो है किया हमारे देश में, तो हमने क्या किया कि 1000 रुपये क्या कर दिया, जीडीपी में जोड़ दिया। अब चूंकि वो वहां की मुद्रा है, दूसरे देश की मतलब इनकम है, इसलिए क्या होता है जब हम जीएनपी देखते हैं, राष्ट्रीय आय देखते हैं, हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद की हम बात करते हैं, तो उस मुद्रा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। इंपोर्ट को जो बाहर जाने वाली मुद्रा है उसको क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा को घटा देते हैं, और जो स्वदेशी जो आने वाली है, विदेशों को जो हमारे यहाँ आने वाली है, एक्सपोर्ट के रूप में कह लीजिए, है ना, जो विदेशों में काम कर रहे हैं लोग, उनकी इनकम क्या होगी, हमारे देश में आएगी, तो उसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में? तो इसमें जो है आपका इंपोर्ट आयात मूल्य जुड़ा रहता है, और इसमें जो है निर्यात मूल्य जुड़ा रहता है। इस प्रकार से जीएनपी में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है, मतलब पूरा हिसाब किताब, कितना जो है मुद्रा जो है हमारे देश में आएगी, मान लीजिए 20 लाख रुपए विदेशों से हमारे यहाँ आई, और हमारे यहाँ से 10 लाख रुपए जो है जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो अपने देश को ले गए, तो 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए इंपोर्ट हुआ, तो शुद्ध बचत कितना हुआ, शुद्ध आय कितनी हुई विदेशी, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा जीएनपी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये क्या होता है,
आप कभी कभी पूछते हैं जीएनपी जीडीपी से बड़ा होगा छोटा होगा, तो डिपेंड करता है कि जो हमारा शुद्ध विदेशी जो प्राप्त आय है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यानी हमारे देश के जो लोग बाहर से पैसा जो ले आ रहे हैं वो ज़्यादा है कि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ से पैसे जो ले जा रहे हैं उनका जो इनकम ज़्यादा है, यदि अधिक ले जा रहे हैं और कम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये कम होगा ज़्यादा होगा तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपये इधर होता 20 लाख इधर होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। जब माइनस में होता तो क्या होता, तब जीएनपी का मान जीडीपी में से 10 लाख घटाने पर प्राप्त होता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा जीएनपी जीडीपी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस स्थिति में कि जब हमारे पास आने वाला अधिक हो जाने वाला कम हो, मतलब एक्सपोर्ट अधिक इम्पोर्ट कम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्लस में होगा। जब इसका वैल्यू प्लस में आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जीडीपी से जीएनपी क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बराबर है, क्या एक प्रकार कर लीजिए क्लोज इकोनॉमी है, न किसी से लेन न किसी से देन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। तो जीएनपी और जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। समझ में आ गई बात, जीडीपी क्या होता है, बात समझ में आई, देश की सीमाओं के अंदर ही स्वदेशी व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो उसके द्वारा किया गया जो उत्पादन कार्य होता है अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी का योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ जो है देश के अंदर जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है हमारे ही देश के नागरिकों के द्वारा और विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ लेते हैं तो क्या होता है आपका जीएनपी होता है। क्लियर हो गया इसमें, चलिए आगे चलते। अब इसी तरीके से हम इसी में हम क्या करें, सकल शब्द को हटा दें, क्योंकि मेन चीज मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, घरेलू और आपका राष्ट्रीय उत्पाद का है। अब इसमें हमने क्या कहा, सकल शब्द और शुद्ध शब्द जोड़ना है, तो अभी हमने सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्र उत्पाद की बात की, अब हम बात करेंगे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट, इसको एनडीपी बोलते हैं, यहाँ पे एनएनपी होता है नेट, नेट अर्थात शुद्ध। अच्छा एक चीज़ मैंने मुझे ये भी बताना था कि जो भी हम जीडीपी और जीएनपी की बात कर रहे थे इन दोनों में किसी भी देश की अंदरूनी शक्ति अंदरूनी ताकत या उस देश में कितना ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी कितनी मजबूत है, कितना इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, वो पता किससे चलता है, जीएनपी से कि जीडीपी से, तो पता चलता है जीडीपी से। जीडीपी क्या है, वही जो है क्या है किसी भी देश के इकोनॉमी का जो है जो उसका ग्रोथ है आंतरिक शक्ति को बताता है, आंतरिक ग्रोथ को बताता है कि वो आंतरिक रूप से यानी घरेलू रूप से वो कितना मजबूत है, इसलिए जीडीपी का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्र उत्पाद, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। शुद्ध घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद शब्द आया है, तो ये होता है इसका जो फार्मूला होता है इसको बोलेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। अब एनडीपी क्या हो जाएगा, एनडीपी बराबर हो जाएगा एनडीपी बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, इसी तरीके से यहां पर भी आप देखेंगे तो यदि हम बात करें कि एन एन पी बराबर क्या होगा, ये भी होता है जी एन पी माइनस डिप्रेसिएशन, बहुत ही आसान है। यदि आपने जीडीपी और जीएनपी को समझ लिया
तो एनडीपी और एनएनपी को समझना आसान है, क्योंकि एनडीपी क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा, शुद्ध शब्द इसमें लग गया, इसका मतलब है कि इसमें से जो भी ह्रास है, डिप्रेसिएशन है, उसको क्या करना है, माइनस कर देना। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद में से हम क्या करेंगे, डिप्रेसिएशन को या मूल्य ह्रास को या जिसको हम बोलते हैं घिसावट व्यय को माइनस करते हैं, ऐसे में जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। इसी तरीके से एनएनपी क्या है, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को जब हम माइनस कर देते हैं तो प्राप्त जो ह्रास होता है उसमें हम क्या करते हैं, एनएनपी करते हैं। आसान है, यदि आपने जीडीपी और जीएनपी को समझ लिया तो जीडीपी में से डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे तो एनडीपी आएगा, और जीएनपी में से जब डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एनएनपी होगा। डिप्रेसिएशन क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आज फिर हम चर्चा कर ले रहे हैं। डिप्रेसिएशन क्या होता है, जिसको हम मूल्य ह्रास बोलते हैं, मूल्य ह्रास या घिसावट व्यय भी बोलते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, कोई उत्पादन कार्य हो रहा है उसमें जो मशीनें लगी हुई हैं उसमें क्या होता है, उसमें घिसावट होता है, उसके मूल्य में ह्रास होता है, कमी होता है। तो उसको जो है, जो उसमें उसके मूल्य में जो कमी हो रही है या घिसावट पर जो उसके मेंटेनेंस पर जो खर्च लग रहा है, व्यय हो रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको हम एनडीपी में या एनएनपी में सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि सकल आपका चाहे घरेलू उत्पाद हो चाहे राष्ट्रीय उत्पाद हो, यानी जीडीपी और जीएनपी दोनों में ही मूल्य ह्रास को सम्मिलित किया जाता है, उसमें सम्मिलित होता है, इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में ही क्या होता है, आप देखेंगे डिप्रेसिएशन माइनस कर दिया जाता है, दोनों ही मूल्य ह्रास को घटाने पर ही प्राप्त होता है, यानी एनडीपी जीडीपी में से घटाने पर प्राप्त होता है डिप्रेसिएशन को, और एनएनपी जो है जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को घटाने पर प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको बता दें कि जो अभी हमने चार कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, यदि इन चारों को, वैसे तो इनका जो भी हम माप करते हैं बाजार मूल्य पे ही करते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस शुद्ध विदेशी आय, तो ये क्या है, मार्केट प्राइस पे ही हम इसका वैल्यू करते हैं। लेकिन ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनका हम वैल्यूएशन साधन लागत पर भी करते हैं, तो दोनों को समझ लीजिए यहाँ पे आप कि साधन लागत पे वैल्यू करेंगे तब कैसे इन चारों को हम निकालेंगे, और बाजार मूल्य पे करेंगे तब इन चारों को कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस की बात जो है हमने पिछले लेक्चर में किया था, यानी बाजार मूल्य पर जो है जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि जीएनपी को यदि हम फैक्टर कास्ट पर निकालें
इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गया, ए बी कर लीजिए। ये हो जाएगा जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जी एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां देखिए आप कि जीएनपी को जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं या फैक्टर प्राइस पे निकालते हैं, फैक्टर कास्ट पे निकालते हैं, तो क्या अंतर होता है? मैंने आपको ये बताया था कि बाजार मूल्य पर यदि हमको निकालना होता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं, जोड़ देते हैं, और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। और यदि हमें फैक्टर कास्ट पर निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जीएनपी मार्केट प्राइस को निकालने के लिए जीएनपी फैक्टर कास्ट पर जो यदि हमने यदि हमको मार्केट प्राइस पर जीएनपी निकालना है तो फैक्टर कास्ट का जो जीएनपी होगा यानी साधन लागत पर जो जीएनपी होगा सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें चूंकि फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स तो रहता नहीं है इसलिए उसको क्या करते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं। क्योंकि मार्केट में आने पर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा। कोई भी वस्तु मार्केट में आती है बिकने के लिए तो वहाँ पर क्या होता है, जीएसटी लग जाता है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी जो भी होती है वो क्या हो जाती है, वो उस प्राइस में से माइनस हो जाती है, घट जाती है। इसी को हम इतने को ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस करने पर जो प्राप्त होता है इसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है और यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जीएनपी मार्केट प्राइस पर निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना है, सब्सिडी घटाना है। और फैक्टर कास्ट पर निकालना है तो फैक्टर कास्ट पर अगर निकालेंगे तो मार्केट प्राइस जो हमारा जीएनपी होगा उसमें से क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है इसलिए उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और फैक्टर कास्ट में हमने क्या कहा, सब्सिडी को जोड़ना होता है इसलिए सब्सिडी की वजह से जुड़ जाती है। बात क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे हमने जीएनपी निकाला वैसे ही क्या होता है, जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस अच्छा यहाँ पे आप ये तो मैंने इस रूप में इसको बताया कि जीएनपी फैक्टर कास्ट में दिया हो तो जीएनपी मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए जीडीपी दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको उसमें अभी फार्मूला इससे पहले लिखा था ना कि जीएनपी मार्केट प्राइस पे आपको जीएनपी निकालना हो और दिया क्या है, जीडीपी दिया है मार्केट प्राइस में, कैसे निकालेंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी फार्मूला आपको पता ही है प्लस एक्स माइनस एम, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका जीएनपी निकल जाएगा। तो जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी भी जो है मार्केट प्राइस में रहेगा तो एक्स माइनस एम को घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम जीएनपी को जीएनपी पे ही फैक्टर कास्ट या मार्केट प्राइस पर निकालते हैं तो इन फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो फार्मूला वही बनेगा, जीडीपी यहाँ एम पी लिखने पर मार्केट प्राइस बोला जाता है इसको, एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, फार्मूला वही रहेगा जो उसका प्रारूप है वही रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट प्राइस है इसलिए जो है क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे कि जोड़ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और सब्सिडी क्या कर देंगे, सब्सिडी एस आई डी वाई सब्सिडी को घटा देंगे। इसी तरीके से इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होंगे, जीडीपी एट आपको फैक्टर कास्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू हो जाएगा जी आ,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सब्सिडी प्लस हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या है, फैक्टर कास्ट में निकालेंगे तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, फैक्टर कास्ट में निकालेंगे तो सब्सिडी को प्लस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस में निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे सब्सिडी को माइनस करेंगे। वही प्रक्रिया यहाँ पे जीएनपी में भी देखेंगे और जीडीपी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एनडीपी और जी एनडीपी और एनएनपी को भी हम निकाल सकते हैं, सॉरी एनएनपी यहाँ पर आप देखें तो हम बात करेंगे कि अगर हमको एनएनपी निकालना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो क्या हो जाएगा, एनएनपी एनएनपी सब जगह वही होगा, यहाँ पर एनएनपी यहाँ पर जो है आपका जी हट जाएगा, यानी जो प्रारूप आपका होगा वही होगा। आप देखिए कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर एन सब जोड़ दीजिए एनएनपी हो जाएगा एट फैक्टर कास्ट एनएनपी ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एनडीपी निकालना है तो एनडीपी यहाँ पे एनडीपी यहाँ पे एनडीपी सब कुछ वही है, देखिए आप एनडीपी 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 सारा फार्मूला वही है कि फैक्टर कास्ट में क्या करना है, फैक्टर कास्ट में हमको इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है सब्सिडी जोड़ना है दोनों में, और मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को जो है जोड़ना है सब्सिडी को घटाना है, फार्मूला सब वही है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, ये जो जीडीपी जीएनपी जो सारी चीजें हमने पढ़ी, इसमें राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसमें जो राष्ट्रीय आय किसे हम कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्लास में आपके जो एनुअल एग्जाम है वहाँ पे तो पूछा ही जाएगा, बाकी आपके बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रीय आय होता है किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय कौन होता है, तो राष्ट्रीय आय कौन होता है उसमें चार विकल्प दिए रहेंगे कि जी एन पी एट मार्केट प्राइस, जी डी पी एट फैक्टर कास्ट, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, ऐसे करके दिया रहेगा, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन है। तो ये एकदम याद कर लीजिए आपको कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, एट फैक्टर कास्ट साधन लागत पर, साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये चारों कॉन्सेप्ट में जो है आपने जो देखा इसमें पूछा जाए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छा फार्मूला क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या इसी के फार्मूले को हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस की जगह हम जो है क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जीएनपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन यहां पे सी रहेगा, डिप्रेसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी,
ठीक, जीएनपी माइनस, अब देखिए हमने क्या किया, एनएनपी मार्केट प्राइस जगह क्या लिख दिया, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इसी को ऐड कर दिया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है, तो मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस रूप में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय, सॉरी इसी को हम बोलेंगे राष्ट्रीय उत्पाद, यानी साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये कांसेप्ट हमको मिला कहाँ से, अब इसको लाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा, अब इसको पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा बताइए, इसको पढ़ने के लिए हमको आप देखिए पढ़ना पड़ा क्या, जीडीपी पढ़ना पड़ा भाई। जीडीपी से ही क्या बना, जीएनपी बना, यानी जीएनपी कांसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना पड़ा, जीडीपी पढ़ना पड़ा। तो जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से हम कहाँ पहुँच गए, एनएनपी पे। तो जीडीपी क्लियर किए, जीएनपी क्लियर किए, दोनों क्लियर करने के बाद तब जाके हम कहाँ पढ़े, कहाँ पहुँचे, एनएनपी पे पहुँचे, और एनएनपी में भी फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस की हमने बात की, तब जाके एनएनपी एट फैक्टर कास्ट पे हम पहुँचे। इस तरीके से यही राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय का जो सही डेफिनेशन है, परिभाषा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ा, और इन सारे कॉन्सेप्ट का अपना अपना महत्व होता है, हर एक का अपना महत्व होता है। लेकिन यदि कोई कहे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो साधन लागत पर ही जो है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जीएनपी शब्द का प्रयोग किया, देखिए जीएनपी शब्द है या एनएनपी शब्द है, इसी को हमने राष्ट्रीय आय भी कहा। तो राष्ट्रीय आय यानी पी की जगह आप जीएनपी को आप जीएनआई या जीएनई भी बोल सकते, यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, इनकम होगा, और जो हमारा इनकम होगा वही क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही किसको इंडिकेट कर रहा है, इनकम को कर रहा है, यानी इनकम हमारा जनरेट हो रहा है किससे, प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन से, और वही इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इसलिए हमारा जीएनपी कहिए चाहे जीएनआई कहिए चाहे जीएनई कहिए, ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय को हम राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में भी बोल सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। जितने भी आपने क्लियर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, तो उसमें उत्पाद की जगह आप आय का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर किया कि जीएनपी जीडीपी एनएनपी और एनडीपी क्या होता है, जिसमें राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसमें तीन कॉन्सेप्ट और हैं, उसको भी हम पढ़ लें जल्दी से। यहाँ पर आप देखें इन चारों कॉन्सेप्ट बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय, या इसी को व्यक्तिगत आय भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, वैयक्तिक आय या व्यक्तिगत आय। किसी भी देश की व्यक्ति द्वारा, किसी भी देश के व्यक्ति द्वारा या एक परिवार के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसी को क्या कहते हैं, हम वैयक्तिक आय या व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसको निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है व्यक्तिगत आय बराबर, इसी को हम बराबर करके लिख सकते हैं, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय,
अब यहाँ पे जो हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, कौन सी राष्ट्रीय आय होगी? एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर, माइनस निगम कर, माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ, माइनस सामाजिक, सॉरी, सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण आय, प्लस हस्तांतरण आय। अब यहां पर आप देखिए, व्यक्तिगत आय को निकालने के लिए हमें राष्ट्रीय आय में से निगम कर, अवितरित व्यावसायिक लाभ, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, इन तीनों को घटाना पड़ता है और हस्तांतरण आय को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। अब ये सब होते क्या है, ये सारे शब्द का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना है, बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं। निगम कर, जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, निगम कर क्या होता है? ये जो है सरकार के द्वारा कंपनियों के ऊपर जो कर लगाया जाता है, कंपनियों के आय के ऊपर, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, तो कंपनी के जो आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? निगम कर कहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स कर। तो निगम कर कहिए चाहे कंपनी कर कहिए, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स इंग्लिश में बोलते हैं, जो कंपनियों के इनकम पर लगाया जाता है टैक्स, उसको हम निगम कर कहते हैं। अवितरित व्यावसायिक लाभ, याद कर लीजिए कि कंपनी का अवितरित लाभ, अवितरित व्यावसायिक लाभ या कंपनी का अवितरित लाभ, मैंने आपको बताया कि जो भी उत्पादन प्रक्रिया होती है उसमें जो भी हमारा इनकम होता है उसको क्या किया जाता है, उसको जो है जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, है ना, चाहे वो आपका रेंट के रूप में हो, चाहे आपका इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे आपका लेबर के रूप में है, उसमें क्या कर दिया जाता है? उसको बांट दिया जाता है। लेकिन उसमें से जो भी अंशदान होता है, जो भी बांटते हैं, जो भी वितरण करते हैं, इस वितरण का एक भाग क्या होता है? व्यवसायी क्या करता है? उसको अपने पास रखता है, जो कि बांटता नहीं, जो कि उत्पादन के साधनों में जिसको वितरित नहीं करता उसको अपने पास रखता है, उस लाभ को आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी को क्या कहते हैं? अवितरित व्यावसायिक लाभ कहते हैं, जो कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। निगम कर भी क्या है? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। क्योंकि ये सब सम्मिलित होते हैं इसलिए क्या करना पड़ रहा है? अब हम वैयक्तिक आय निकाल रहे हैं, इसलिए चूंकि ये वैयक्तिक आय में तो सम्मिलित होता नहीं, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय में क्या करना पड़ रहा है? इन सबको निकालना पड़ रहा है। जब निकालेंगे तभी तो क्या बचेगा? वैयक्तिक आय बचेगा। इसलिए हमने निगम कर और अवितरित व्यावसायिक लाभ को घटा। तो अवितरित व्यावसायिक लाभ समझ में आ गया? कंपनी द्वारा जो भी आय प्राप्त होता है उसको क्या करता है? वो विभिन्न उत्पादन साधन बांटता है, लेकिन एक भाग क्या करता है? उसको नहीं बांटता है, उसको वितरित नहीं करता, उसी को हम अवितरित भाग कहते हैं और वही अवितरित लाभ कहते हैं। वो किस लिए करते हैं? आगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी जो है अवितरित व्यावसायिक लाभ भी क्या होता है? चूंकि इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है? ये पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड, इस रूप में क्या होता है? उनका कटौती होती है।
तो उस कटौती को क्या किया जाता है, जो कटौती होती है उसको जो है पेंशन के रूप में या प्रोवाइडेड फंड के रूप में उसको जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसीलिए जो है वैयक्तिक आय में से इसको क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, कटौती होती है, वैयक्तिक आय के रूप में सम्मिलित नहीं होता है, है ना, ये सामाजिक सुरक्षा के रूप में काम करता है, इसलिए इसको सामाजिक सुरक्षा अंशदान कहते हैं। बात समझ में आ गई। हस्तांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण तो समझ ही रहे हैं, ट्रांसफर, ऐसा इनकम जो ट्रांसफर हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। जैसे 100 रुपये मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, 100 रुपये जैसे आपने मुझको दे दिया पुरस्कार के रूप में, लीजिए आपको हम दे दे रहे हैं प्रसन्न होकर, या हम कभी कभी गांव में होता है ना रिलेशन में, आप जाइए तो क्या होता है, विदाई के रूप में लीजिए 100 रुपये 50 रुपये, बारात में जाइए तो वहाँ विदाई के रूप में आपको मिलता है। तो जो आपको मुफ्त में उपहार मिलता है बिना कुछ काम किए, वो क्या होता है, उसी को हस्तांतरण आय कहते हैं। कि आय तो हस्तांतरित हो गई जबकि उत्पादन नहीं हुआ, रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, किसी ने हमको कुछ रुपया गिफ्ट कर दिया लेकिन उसका कोई उत्पादन नहीं हुआ, तो आय तो हस्तांतरित हो गई, आय तो हमारे पास आ गई। हमारे पास जो है 10,000 रुपये थी या 1,00,000 रुपये हमारा वार्षिक इनकम है, 10,000 किसी ने गिफ्ट कर दिया तो हमारा इनकम क्या हो गया, 1,10,000 हो गया, हमारा इनकम बढ़ गई। तो पर्सनल इनकम तो बढ़ जाएगी क्योंकि पर्सनल इनकम में हस्तांतरण आय जो है सम्मिलित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय में उसी आय को सम्मिलित किया जाता है जिसके बदले क्या हो, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, जिस आय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया, इसलिए हस्तांतरण आय को जो है उसमें सम्मिलित, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया। इसमें आपका बेरोजगारी भत्ता जो सरकार द्वारा प्राप्त होता है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है ना, ये सब जो भी सरकार जो है हमको सहयोग देती है गरीबों को, बेरोजगारों को, तो बेरोजगारों को सीधा वो क्या कर रही है, सहयोग कर रही है, उसके बदले कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रहा है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे बैठे सरकार से पैसा ले ले रहे हैं। तो इसलिए सरकार जो है उसको क्या करती है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करती, लेकिन और जो रुपया हमको मिल रहा है, मान लीजिए 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि से जो है हमको मान लीजिए प्राप्त हो रहा है ना साल का, तुम्हारे साल के इनकम में 6,000 रुपये वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन वो जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं। बात समझ आ गई। तो ये जो है हस्तांतरण आय, तो ये जो है इसीलिए हमने कहा कि हस्तांतरण आय को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है राष्ट्रीय आय में, बाकी इन सब को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब जो है राष्ट्रीय आय में पहले से ऐड रहते हैं, इसलिए इसको घटा दिया जाता है। तो वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैयक्तिक आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या होता है, एक लाइन में आप समझ लीजिए, नेशनल इनकम जो होता है और पर्सनल जो इनकम होता है, दोनों में अंतर क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। इसमें जो है जो इनकम होता है वो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट इनकम होता है, प्राप्त आय होती है, और इसमें जो आय होती है वो सृजित होती है, आय का सृजन होता है, इनकम जनरेट किया जाता है, यहाँ पर इनकम जनरेट किया जाता है, क्योंकि इसमें इनकम क्या होता है, रिसिप्ट होता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे हस्तांतरण भुगतान से जो आय प्राप्त हो रही है क्या हो रहा है, केवल मिल रहा है, कोई हमने उत्पादन कार्य नहीं किया, जबकि राष्ट्रीय आय में हम केवल उसी आय को सम्मिलित करेंगे जिससे वस्तु उत्पादन का सृजन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जनरेट इनकम होता है, जबकि इसमें क्या होता है, रिसिप्ट इनकम होता है। क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अगला है जिसको बोलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, चूंकि हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें नेक्स्ट है आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय या प्रयोज्य आय भी बोलते हैं। इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। प्रयोज्य आय क्या होता है,
कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारा पर्सनल इनकम प्राप्त होता है, वैयक्तिक आय जो हमको प्राप्त होती है, क्या वह हमारे प्रयोग करने के योग्य भी होती है? क्या हम उसको प्रयोग में कर सकते हैं? तो नहीं, जो हमारा पर्सनल इनकम है उसका हम सीधे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रयोग करने योग्य अभी नहीं है। उसमें दिक्कत क्या है? प्रयोग करने वाली आय कौन होती है? जो प्रयोग करने योग्य आय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यय योग्य आय या प्रयोज्य आय बोलते हैं, या डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है, व्यय योग्य आय बराबर हो जाएगा वैयक्तिक इनकम, पर्सनल इनकम, वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर। यानी पर्सनल इनकम में से क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो वो जो इनकम होता है क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, है ना, एक टैक्स पे करने का एक उसके इनकम का एक लिमिट होता है, एक इनकम टैक्स स्लैब होता है ना, उस स्लैब में निश्चित होता है किस आय से किस आय तक जो है टैक्स फ्री आप हैं, यानी टैक्स देने योग्य नहीं है, मतलब आप टैक्स से मुक्त हैं, कर नहीं देना है, और किस से किस आय तक जो है आपको कितना टैक्स देना है। जब आपको टैक्सेशन जो है पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, वहाँ तक आपको बताया गया था, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष कर जो है, पहले प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो व्यक्ति की आय और संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। इसमें जो है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। इसमें जो है टैक्स शिफ्टिंग नहीं होता, आप कर का विवर्तन नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर अपना टैक्स जो है विवर्तित या शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें करापात और कराघात, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यानी यहाँ पर बिल्कुल जो है अंतिम रूप से आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, प्रारंभिक रूप से भी भार और अंतिम रूप से दोनों भार आपके ऊपर पड़ेगा जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तो प्रत्यक्ष कर होता है। तो जो भी करदाता होता है तो उसकी जो भी इनकम होती है, पर्सनल इनकम होती है, उसमें से क्या किया जाता है? पहले जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, फिर जो इनकम बचता है वो क्या होता है? वही व्यय करने योग्य होता है। मान लीजिए जो है उसकी इनकम है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख रुपए उसकी वैयक्तिक आय हो गई, लेकिन उस पर जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए कि 80,000 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है? 80,000 रुपए लग रहा है। तो इस तरीके से हम 8 लाख में से 80,000 घटाते हैं तो बचता है कितना? 7,20,000। ये जो 7,20,000 रुपये जो बच रहा है यही हमारा क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम होगा, वैयक्तिक आय होगा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसमें हम कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया वैयक्तिक आय इतना है, प्रत्यक्ष कर इतना है, तो व्यय योग्य आय क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे। कभी कभी इसमें कुछ शब्द और भी जोड़ दिया जाता है, जैसे कह दिया कि इसमें जो है 2,000 रुपये जुर्माना, सरकार द्वारा जो कानून के द्वारा जो दंड या जुर्माना या फीस जो लगाई जाती है उसको भी जो है हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं। तो दंड, जुर्माना, फीस यदि सब है तो इसको भी हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। वैसे मेन फार्मूला आपका यहाँ तक ही होता है वैयक्तिक आय माने प्रत्यक्ष कर, लेकिन कह दिया तो उसको भी आप मान चलिए कि इसमें आप माइनस फीस, दंड, जुर्माना आदि को भी हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं। बात क्लियर हो गया? चलिए आगे तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट होता है जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश का जो विकास का सूचक है वो हम राष्ट्रीय आय के द्वारा तो मापते ही हैं, लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय आय से जो है समानता हो जाती है। समानता का मतलब ये है, जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय सपोज मान लीजिए कि 20 करोड़ रुपए है। कितना? 20 करोड़ रुपए है, ठीक है। और मान लीजिए पाकिस्तान की भी जो है
20 करोड़। सपोज यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा, मान ले रहे हैं ऐसा, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। तो यहाँ का जो नेशनल इनकम है 20 करोड़ रुपए, यहाँ पर भी 20 करोड़ रुपए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो है बराबर है, राष्ट्रीय है। तो ऐसे में नहीं समझ में आता कि कौन सा देश जो है ज़्यादा समृद्ध कर रहा है, जिस किसकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कहाँ पर राष्ट्रीय ज़्यादा है। हालांकि दोनों देशों की मुद्राएं अलग होती हैं, वहाँ के जो है जो उसका वैल्यू होता है मुद्रा का अलग होता है, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्लियर है, तो हम मेजर करना है हमको, तो हम क्या करते हैं वहाँ से हम प्रति व्यक्ति आय की तरफ चलते हैं। जो हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में पीसीआई भी बोलते हैं, पीसीआई बोल सकते हैं। जो पीसीआई होता है ये होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन यानी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय में जब हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा कि 20 करोड़ क्या है, 20 करोड़ क्या है, अभी 20 करोड़ आपका राष्ट्रीय आय। अब टोटल पॉपुलेशन तो वैसे इस समय जो है आपका 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ था, इस समय जो है आपका 121 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन 130 के आसपास हो गया है। लेकिन हम इसको सरलता के लिए समझने के लिए मान लीजिए हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 100 करोड़ है। कितना है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ यदि है तो इसको यदि हम निकालें तो इसको यदि हम भाग दें कितना आएगा, 0.2 करोड़, 0.2 करोड़। 0.2 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 0.2 करोड़ का मतलब हो गया कितना, यदि एक जीरो हटा लें ये 20, लगभग 20 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया, 20 लाख रुपया हो गया। तो 20 लाख रुपए जो है ये क्या हो गया, हमारे यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें वहाँ पर जनसंख्या कम है, मान लीजिए 20 जो है करोड़ जनसंख्या है, तब क्या करेंगे, 20 करोड़ बटे 20, 20 बटे 20 एक हो जाएगा, तो वहाँ की जो है राष्ट्रीय आय कितनी, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी 1 करोड़ हो जाएगी। तो वहाँ की 1 करोड़ हो गई, हमारे यहाँ कितनी है, 20 लाख है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, वहाँ अभी तो हमें सेम लग रहा था लेकिन अब क्या हो गया, अब वहाँ पे अधिक हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के लोग क्या हैं, जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से जो है क्या होता है, व्यक्ति के देश के जो लोग होते हैं उनके जीवन स्तर का भी जो है माप हमको पता चलता है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या है, ऊँचा है या नीचा है। तो यदि कम है अन्य देशों से, विकसित देशों से, तो इसका मतलब हमारे देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या है, अन्य देशों की अपेक्षा नीचा है, यानी यहाँ लोग गरीब अधिक है। बात समझा गई, इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। ये भी जो है हम कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, या देश के विकास के सूचक के रूप में जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा उतना ही प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से सीधा संबंध है। जितना ये अधिक होगा उतना ये भी अधिक होगा, लेकिन जनसंख्या से जो है इसका संबंध उल्टा है। देखिए इनवर्स रिलेशन है, इसलिए पॉपुलेशन जितना अधिक होगा उतना ही ये क्या होगा, कम होगा, पीसीआई हमारा उतना ही कम होगा, और जनसंख्या जितना कम होगा उतना ही पीसीआई क्या होगा, अधिक होगा। जैसे यहाँ जनसंख्या कम थी इसलिए यहाँ की पीसीआई क्या हो गई, अधिक हो गई। हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक थी इसलिए पीसीआई क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके साथ इन्वर्स रिलेशन उल्टा संबंध होता है, और उसके साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी सीधा संबंध होता है। तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए इसको आप घरेलू एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। दो परिवारों की यदि हम बात कर लें, यदि मान लीजिए परिवार में हम बात करें, यदि मान लीजिए
कोई ए परिवार है, इसमें चार सदस्य हैं, फोर मेंबर्स, ठीक है। और इसमें जो है मान लीजिए दो व्यक्ति जो है ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एक की इनकम मान लीजिए 60,000 है और एक की इनकम जो है 40,000 है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से तो इनका 60,000-40,000 है, लेकिन पूरे परिवार की इनकम हो तो क्या करते हैं हम, जितना भी पूरे परिवार से इनकम होता है, दो ही जगह से इनकम के स्रोत हैं, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना जाता है 1,00,000 रुपये हो जाता है। तो ये 1,00,000 रुपये जो हो गया, ये क्या है, ये पूरे परिवार की आय है, फैमिली की आय है, पूरे परिवार की आय है, है ना, पूरे परिवार की आय है। अब मान लीजिए यहाँ पे बी फैमिली बगल में आपका पड़ोसी है, उसके यहाँ 5 मेंबर हैं और इसकी जो कमाने वाले हैं इसमें जो है मान लीजिए 3 लोग हैं, एक 40,000 कमा रहा है, एक 20,000 कमा रहा है और मान लीजिए एक 30,000 कमा रहा है और दूसरा भी जो है मान लीजिए 30,000 कमा रहा है ना। तो इस तरीके से हम हजार की बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखें तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 4, 10, यानी 1,00,000 रुपये यहाँ भी हो जा रहा है। यानी ये जो है 3 कमाने वाले हैं लेकिन परिवार की इनकम कितनी है, 1,00,000 है, इनके भी परिवार की इनकम 1,00,000 है, यहाँ पर 2 लोग ही कमाने वाले हैं, है ना। तो 1,00,000 इनके भी परिवार की इनकम है, यहाँ भी परिवार की इनकम 1,00,000 है, तो ठीक है, यहाँ पर तो दोनों परिवार लग रहा है दोनों का स्टैंडर्ड अच्छा है, ठीक है, बराबर है, दोनों बराबर है। लेकिन प्रति सदस्य आय हम ज्ञात करें, पर मेंबर इनकम निकालना हो हमको, तो पर मेंबर इनकम निकालने के लिए इसी तरीके से प्रयोग करेंगे, जो परिवार की आय होगी टोटल नेशनल इनकम का टोटल परिवार की आय, यानी 1,00,000 रुपये में टोटल पॉपुलेशन कितना है, कितने मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं, यहाँ 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 25,000 आएगा, 25,000 रुपये आएगा। अब यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य जो है यदि हम आय निकालेंगे तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये होंगे, है ना। तो यहाँ पर कुल सदस्य कितने हैं, कुल जनसंख्या मतलब कुल जो सदस्य से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति सदस्य आ रहा है, यहाँ पर प्रति सदस्य 20, अलग प्रति सदस्य 25,000 मतलब ये नहीं एक सभी सदस्य 25,000 कमा रहे हैं, एक एवरेज होता है, एक औसत होता है कि औसतन जो है एक व्यक्ति पर एक सदस्य पर जो है इतना रुपया आ रहा है, यहाँ पर एक सदस्य पर जो है 20,000 आ रहा है। तब यहाँ पर देखिए कि इनका पर सदस्य जो है इनकम अधिक हो गया, यहाँ पर प्रति सदस्य इनकी इनकम क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी तो हमको एक जैसा लग रहा था लेकिन अब क्या हो गया, चूँकि सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा होने से इनका जो है क्या हो गया, इनका प्रति सदस्य आय भी क्या हो गई, कम ज़्यादा। इसी तरीके से हमारा PCI भी होता है, पर कैपिटा इनकम भी होता है, हम अलग अलग राज्यों की या अलग अलग राष्ट्रों की जो है देशों की PCI निकालते हैं और उससे हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है हम अध्ययन करते हैं, इंडिकेटर ग्रुप में काम आता है, कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कौन सा देश ज़्यादा समृद्ध है, कौन कम समृद्ध है, ठीक ना, किस देश के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर ऊंचा है और किसका जो है जीवन स्तर नीचा है। तो अब हम निष्कर्ष रूप में कह लें कि राष्ट्रीय आय में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पहली बात तो राष्ट्रीय आय, यहाँ पर निष्कर्ष रूप में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे मैंने कहा कि एक वर्ष के लिए निकालना है, एक वर्ष के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। इसमें केवल अंतिम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ, अंतिम वस्तु एवं सेवा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मौद्रिक आय उनके जो है मुद्रा के रूप में, मौद्रिक आय नहीं, मौद्रिक मूल्य के रूप में हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसे, मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं, जो कि इनका जो उत्पाद होगा इनके उत्पादन का जो है वैल्यू जो होगा मुद्रा के रूप में होना चाहिए,
पिछले मौद्रिक मूल्य का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो देखते हैं हम कि एनएनपी एट आपका फैक्टर कास्ट एफसी, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसी को नेशनल आय कहते हैं, ये याद करना है। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही नेशनल, राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्तांतरण आय, सम्मिलित नहीं किया जाता, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि आप देखेंगे कि जो आपका आपने देखा नीचे, जैसे निगम कर रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्स है, इसको सम्मिलित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, इसको सम्मिलित किया जाएगा। जो कंपनी का अवितरित लाभ होता है, इसको भी जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जबकि जो वित्तीय व्यवहार होते हैं, जो कंपनियों के या बीमा या अन्य वित्तीय कंपनियों के जो डिवेंचर्स होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, बांड्स होते हैं पुराने, इनको जो है हम सम्मिलित नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम केवल उन्हीं वस्तुओं से वहाँ का उत्पादन करते हैं जो कि करंट हो, चालू वर्ष के लिए होना चाहिए। चालू वर्ष के लिए, जो चालू वर्ष में जो वर्ष चल रहा है उसमें जो उत्पादन, जिस वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय, उसी वस्तु के उसी वर्ष के जो है उत्पादन को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। यदि कोई वस्तु जो है पुरानी है, मान लीजिए हम 2020 का निकाल रहे हैं और 2019 में बनी कोई वस्तु है, तो उसके उत्पादन को इसमें हम सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल हम उन्हीं को सम्मिलित करें, भले वो वस्तु बिकी ना हो, पड़ी हो नई की नई हो, शोरूम में ही पड़ी हो, है ना, लेकिन चूंकि उसका उत्पादन जो है इस वर्ष नहीं हो रहा है, इसलिए उसको जो है हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। केवल जो करंट ईयर में जो वर्ष, जिस वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं, जिस वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं, केवल उसी वर्ष के ही जो है राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो है मैंने आपको यहाँ पे नेशनल इनकम टॉपिक पे जो है आपसे चर्चा किया, नेशनल इनकम और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमने GDP, GNP, NDP, NNP, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन सारे जो है टॉपिक पर चर्चा किया। तो बस आज इतना ही, दैट्स ऑल।